नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटर पर। और बहुत ही खास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, तो जल्दी से इस वीडियो के लिंक को आप लोग शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि आपको पता है हम लोग बहुत जोरदार तरीके से लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे मैथ्स की क्लास होगी और ये मैथ्स की क्लास नंबर 4 है। देखते हैं क्या टॉपिक है आज, और आज का टॉपिक है इकाई का अंक निकालना। बिल्कुल मुद्दे पे आएंगे, उससे आने से पहले जल्दी से क्लास का लिंक शेयर कर दें, क्योंकि लिंक शेयर करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, पढ़ाने में और ज़्यादा मजा आता है। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए, प्रॉपर बोर्ड सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे, तो लाइव क्लासेस बोर्ड पे होंगी, तो और ज़्यादा पढ़ाने में मजा आएगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत यूजफुल सेशन होने वाला है। हमें इकाई का अंक निकालना सीखना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट निकालना, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और व्हाट्सएप नंबर है 9121815869, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, जिससे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, लिंक, बाकी चीज़ें, जो स्टडी मटेरियल है, वो सब आप तक पहुंच जाए बहुत ही ज़्यादा आसानी से। तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम समझेंगे कि भैया इकाई का अंक होता क्या है। ये मैंने लिख दिया सामने, यूनिट डिजिट, मैंने लिखा यूनिट डिजिट। देखिए सारे कॉन्सेप्ट्स यहां से शुरू होंगे, एक नंबर पक्का पक्का पूरे एग्जाम में आपके यहां पे आने वाला है। एक नंबर का क्वेश्चन 101% किसी भी एग्जाम में आता है, तो बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए और समझ लेंगे। बहुत ही ज्यादा हल्की चीज है, बट एक बार समझना है और बड़े से बड़ा क्वेश्चन एकदम चुटकियों में हल कर देंगे आप। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मैंने लिखा 235। मेरा प्रश्न आपसे है कि इकाई का अंक क्या है इसमें, इसमें इकाई का अंक क्या है? तो आप कहेंगे सर इकाई का अंक इसे कहते हैं यूनिट डिजिट, इसे कहते हैं यूनिट डिजिट। तो 235 में जो यूनिट डिजिट है वो है 5। बिल्कुल आसान है, मैंने लिखा 7, 8, 9। यूनिट डिजिट क्या है? आप कहेंगे सर इसमें यूनिट डिजिट 9 है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे आता है, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सा है कि भैया 32 × 56। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने कि 32 × 56, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए 32 × 56 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमें क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे आप लोग। जब भी कभी एक बड़ा सा क्वेश्चन आएगा आपके सामने, अभी छोटा सा लिया मैंने 32 × 56, करना क्या है कि आपको इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक उठाना है और नीचे लिख देना है, उसके बाद दूसरे नंबर का इकाई का अंक उठाना है और नीचे लिख देना है, उसके बाद जो भी ऑपरेशन इनके बीच में हो रहा है उस ऑपरेशन को बीच में लगा दो। समझ में आई बात? और ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लाई, गुणा का निशान है। तो 6 × 12 मेरा आ गया 12। अब जो आंसर आया उसका यूनिट डिजिट क्या है? आप कहेंगे सर उसका यूनिट डिजिट 2 है। तो मेरे इस सवाल का यूनिट डिजिट आया 2। बात समझ में आ गई होगी एक क्वेश्चन के साथ, और यहां पे लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन है आपके सामने 329 × 532 × 321। सवाल आपके सामने बहुत बड़ा है, कॉन्सेप्ट लगाइए, कमेंट सेक्शन में तुरंत आंसर दीजिए। बहुत ही जोरदार तरीके से ये सेशन होने वाला है, आप समझिए। यूनिट डिजिट निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, और ये इतना ही नहीं जो मैं सिखा रहा हूं, इसके बाद सेकंड जो नया क्वेश्चन आएगा, नया स्टेप वाला अपर लेवल का क्वेश्चन है, वो इसके बाद सीखेंगे। सबसे पहले यहां सीख लो क्वेश्चन आपके सामने आंसर क्या आएगा, जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो यहां पर आएगा 9, हमने यहां से उठा लिया, मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से मैंने 2 उठा लिया, मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से मैंने 1 उठा लिया। मतलब मैंने सबके इकाई के अंक उठा लिए और बीच में जो भी ऑपरेशन था वो लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब ये अप्लाई कर दो ऑपरेशन, 9 × 2 × 1 यानी कि 18। 18 का मतलब लास्ट में 8 आ गया, तो यहां पे 8 आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आंसर है इकाई का अंक आएगा 8। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जो आपके एग्जाम में आया था, सीधा मैं आपके क्वेश्चन पेपर से उठाता हूं। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है सबका, सब लोग यहां पे क्वेश्चन को नोट करेंगे और खुद आंसर देने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में। 6, 8, 9, 2 मल्टीप्लाई 3, 5, 6, 8 मल्टीप्लाई 7, 2, 3, 9 मल्टीप्लाई
3624। सवाल आपके सामने एग्जाम में आया, वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि इसका इकाई का अंक निकालिए। देखिए सेशन में बने रहे, सेशन का जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स में फैला दें पूरी तरीके से, जिससे बहुत सारे लोग आए और सीखें अच्छी चीज को और क्वेश्चन को समझे और हमें भी पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन आपके सामने, इसका सॉल्यूशन आपको करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इकाई का अंक उठा लो, फिर मल्टीप्लाई लगाओ, फिर इकाई का अंक उठाओ, फिर मल्टीप्लाई लगाओ, जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन लगाना है। उसके बाद मैं 9 उठा लिया, उसके बाद मैंने 4 उठा लिया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मुझे यहाँ सॉल्व करना है। अब मेरे सामने ये 4 डिजिट हैं कि आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो जरूरी नहीं है कि चारों की एक साथ मल्टीप्लाई करूं, अलग अलग करेंगे। देखिए कैसे, पहले 2 की 8 से करी कितना आया, 16, तो 16 का 6 लिख दो यहाँ पे बस मल्टीप्लाई। 9 और चौक 36, 36 का भी 6 लिख दो आप बस। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला स्टेप 6 और 6 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना 36, और फिर उसका 6 लिख दो। मतलब जो भी काम हमें करना है वो करना है हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक के ऊपर। सब बात समझ में आ चुकी। अगला सवाल लेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला सवाल आपके सामने। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं। अगला सवाल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से आने वाला है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेंगे पहले। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करके दिखाइए। क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करके दिखाइए। सवाल बनेगा कुछ इस तरीके से कि भैया 81 into 82 into 83। अब डैश डैश जो लग रहा है इसको मैं थोड़ा फैला दूं, 84 into 85 into 86 87 88 89। ऐसा करने से एक सेकंड में आंसर आएगा, चुटकी बजाते हुए आंसर आएगा। देखिए कैसे, यहां पे बिल्कुल क्लियर है कि भैया यहां से मुझे यूनिट डिजिट उठाना है, यानी इकाई का अंक यहां से भी उठाऊंगा मैं, यहां से भी उठाऊंगा, यहां से उठाऊंगा, और यहां से और यहां से, और फिर मैं इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। बात समझ में आ गई। ध्यान देंगे इस बात पे कि जब मैं इन सबको उठा रहा हूं तो मैं 2 भी उठाऊंगा और यहां से 5 भी उठाऊंगा, तो कहीं ना कहीं 2 और 5 की आपस में मल्टीप्लाई होगी। और जब कभी भी 2 और 5 की मल्टीप्लाई होती है तो वो देता है आपको 2 into 5 = 10, यानी कि यूनिट डिजिट 10, 0। और जब इस 0 को उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा आगे कहीं पे, तो उसका आंसर आएगा 0। बात समझ में आ रही है, बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे 0 इसका आंसर आ गया। कैसे आ गया, क्लियर है आपके सामने। एक बार फिर से, यहां से मैंने 1 उठाया, फिर 2 उठाया, फिर यहां से 3 उठाया, फिर 4 उठाया, फिर 5 उठाया, फिर 6 उठाया, फिर 7 डैश डैश, ऐसे उठाओगे कि नहीं उठाओगे, और जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? ठीक, बात समझ में आ गई। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अगला लेवल का जो क्वेश्चन है वो ये है जो आपके सामने है। मुझे पावर वाले क्वेश्चन में सीखना है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, लेकिन इसको बाद में सीखेंगे। पहले इस पे बेसिस और क्वेश्चन कर लेते हैं भैया, इस पे बेस्ड और क्वेश्चन कर लेंगे जो मैंने आपको सिखाया। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए। यहां पे डैश डैश नहीं लगा हुआ है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे। इसमें 5 नहीं है, कायदे की बात है, इसमें 5 नहीं है तो 0 नहीं आएगा इसका आंसर। कभी कमेंट में 0 खुदा के लिख दो, नहीं 0 इसका आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 5 नहीं है, और 0 तब तक नहीं बनता जब तक 5 नहीं मिलता उसे। एक टॉपिक में लेके आऊंगा अगली क्लास में आपके लिए, और उसका नाम होगा, एक नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नंबर ऑफ जीरो निकालना, शून्यों की संख्या बताना, शून्यों की संख्या बताना कि इस क्वेश्चन के अंदर कितने शून्य है। ठीक है, जैसे मैं पूछूं कि भैया ये मल्टीप्लाई है लंबी चौड़ी, इसके अंदर कितने शून्य है, तो आप मुझे बताएंगे कि भैया 1 है, 2 है, 3 है, तो आप उस तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। अभी आपके सामने ये सवाल है, तो यहां से क्या करेंगे, जब 5 नहीं है तो भैया इसका मैंने 1 उठाया, अगले वाले का 2 उठाया, फिर 3 उठाया, 4, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, इन सब में आपस में क्या है, आपस में मल्टीप्लाई है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है तो फिर क्या होगा, जब 5 है ही नहीं तो 0 नहीं आएगा, फिर तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए कैसे, 4 × 12 = 24, तो इन सबको मिला के क्या मैं 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, 4 × 12 = 24, 24 × 24 4 लिख दिया, क्यों, क्योंकि 24 का 4 लिख दिया, मुझे तो यूनिट डिजिट चाहिए, सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 7 × 42 का मैं 2 लिख दूं, भाई 7 × 42 का मतलब 2 लिख दिया मैंने इकाई का, इंटू 9 × 72 क्या मैं 2 लिख दूं, बिल्कुल लिख देंगे। आ जाओ यहां पे, 4 × 8 × 16 का 6 आ गया, आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म।
क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सब लोग यस लिख दें, थम्स अप कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगले कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके सामने आ गया, मैं उसी टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूं जो मैंने आपको अभी पढ़ाया। अब इसके बाद हम पावर्स वाले क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन करेंगे। ये चलिए पहले फैक्टोरियल वाले पढ़ेंगे, फिर वीडियो के अगले पार्ट में हम पावर्स वाले क्वेश्चन करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा मैं दूर दूर लिख दूं। 3 की मल्टीप्लाई 38 से करेंगे, फिर 537 से करेंगे, फिर 1256 से करेंगे। भैया मल्टीप्लाई करनी मुझे नहीं आती, मुझे तो सिर्फ यूनिट डिजिट वाला आता है। मैंने यहाँ से 3 पिक किया, यहाँ से 8 कर लूँगा, यहाँ से 7 कर लूँगा, यहाँ से 6 कर लूँगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। 8 तिया 24 का 4, भाई यूनिट डिजिट चाहिए मुझे तो, और 7 छंक 42 का 2, और फिर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 आंसर आ गया। खत्म खेल। बात समझ में आ गई है? क्वेश्चन क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद ये बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये बड़ा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो करा दिया था। चलिए ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, लेकिन मैं आपको फैक्टोरियल वाली बात समझा दूं। देखिए ध्यान से देखेंगे, फैक्टोरियल में दो तरह के क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, ये वादा है। कैसे? ध्यान से देखेंगे। पहले मैंने एक शब्द लिखा फैक्टोरियल, इंग्लिश में लिख देते हैं फैक्टोरियल। आपने देखा होगा भैया ऐसे लिख देते हैं फैक्टोरियल n, या फिर लिख देते हैं इस तरीके से फैक्टोरियल n। इतनी बात समझ में आ गई? सब लिखेंगे यस, कि हमें फैक्टोरियल पता है। अब फैक्टोरियल पता है तो इसको ओपन कैसे करते हैं? जैसे मैंने लिखा भैया फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 बराबर होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इतनी बात समझ में आ गई कि फैक्टोरियल 5 बराबर होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। क्लियर। अब देखो फैक्टोरियल 6 बराबर क्या होता है? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब आपको बात समझ में आ गई, जिसको नहीं पता था कि फैक्टोरियल का मतलब होता है उसके नीचे 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 वाले नंबर से आपस में गुणा करते चले जाओ। जैसे फैक्टोरियल 10 निकालना है तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा डैश डैश 1 तक। बात समझ में आ गई? ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, इसी बात पे थम्स अप कर देंगे, क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। सवाल मेरा ये निकल के आएगा, दो तीन तरीके से मैं आपको सवाल समझाता हूँ, दो तीन तरीके से मैं आपको सवाल समझाता हूँ। सवाल मेरा ये है कि भैया इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है भैया? हम तो इकाई का अंक पूछ सकते हैं क्योंकि आज का टॉपिक ही इकाई का अंक है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 12 में इकाई का अंक कितना होगा। आपका समय शुरू हो जाता है अब कि फैक्टोरियल 12 में इकाई का अंक आपको बताना है, कि फैक्टोरियल 12 में इकाई का अंक क्या होगा। मैं कुछ और क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए निकाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको बताना है। फैक्टोरियल का यहाँ पे बताना है कि कितना फैक्टोरियल यहाँ पे आंसर आएगा। जल्दी से बताइए कि फैक्टोरियल 12 में यहाँ पे क्या है। फैक्टोरियल 12 को अगर मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और जब ये जीरो भाई साहब आ गए हैं तो मैं कहूँगा भैया जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो की जब सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो देते गए। बात समझ में आ गई? तो एक टॉपिक छोटा सा बना के लिख लेंगे आप। वो क्या लिखेंगे आप, मैं आपको बताता हूँ। आपको लिखना है पहले एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए अगर मैं फैक्टोरियल 4 आपसे पूछता हूँ तो आप कहेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 दिया 12 गुणा 24, यानी यूनिट डिजिट कितना है? 4 आ गया। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल 5। ये बात समझ में आ गई? यस, फैक्टोरियल 5 लिखूंगा तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूँ ना तो 5 आ गया, और भाई 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 दे देता है। तो इसका मल्टीप्लाई 0 आएगा कि नहीं आएगा? मल्टीप्लाई 0 नहीं, यूनिट डिजिट 0 आएगा कि नहीं आएगा? इकाई का अंक 0 आएगा, और आ गया आंसर भी, आ गया इकाई का अंक। जब मैं फैक्टोरियल 6 करूंगा तो भैया 6 गुणा 5 गुणा 4 डैश डैश, तो जब 5 4 की मल्टीप्लाई जब करते हैं तो फिर से 0 आ जाता है। जब मैं फैक्टोरियल 7 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो फिर से 0 आ रहा है। मतलब भैया पॉइंट बना के लिख लो, फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सब का इकाई का अंक 0 होगा। बात समझ में आ गई हो तो यस लिखेंगे। फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने फैक्टोरियल होते हैं, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, उन सब का इकाई का अंक 0 होता है। ये बात समझ में आ गई हो तो सब लोग यस लिख देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी सबको। अब जब इतनी बात क्लियर हो जाती है तो एक सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्वेश्चन लगाएंगे कि भैया फैक्टोरियल 1 जमा फैक्टोरियल 2 जमा फैक्टोरियल 3 जमा फैक्टोरियल 4 जमा फैक्टोरियल 5 डैश 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 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 100। ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख दिया। सवाल ये है कि इसका
यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। समय आपका शुरू होता है अब। देखिए बहुत मजा आएगा जब बोर्ड पे वीरज सर की तरह पढ़ाएंगे, वो कितने अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम अव्वल नंबर का मजा आ रहा होगा, क्योंकि वहां से हमें नॉलेज मिल रही है, हमारी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रांग हो रही है। जल्दी से इसका आंसर देंगे, जल्दी से इसका आंसर देंगे, क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताइए। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, अभी मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि फैक्टोरियल चार से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होते हैं सबका यूनिट डिजिट जीरो होता है। बात समझ में आ गई? तो भैया इसका भी जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा, सबका जीरो होगा, क्या यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट। और मैंने आपको बताया था कि सब में ऑपरेशन लगा दो, ऑपरेशन लगाने के लिए कहा था ना, कहा था वन का यूनिट प्लेस क्या होगा, वन। फैक्टोरियल टू का यूनिट प्लेस क्या होगा, टू, क्योंकि टू की वन से मल्टीप्लाई। तीन का क्या होगा, छः। कैसे भाई, फैक्टोरियल तीन को लिखोगे तीन गुणा दो गुणा एक बराबर, तो तीन दुना छः हो गया। अच्छा फैक्टोरियल चार का तो अभी निकाला था ना, चार आया था, ठीक है। अब देखो, ठीक है अब देखो, इन सबको ऐड कर दो भाई, जो ऑपरेशन लगा हुआ है बीच में वो तो करोगे ना, जो ऑपरेशन लगा हुआ है वो करोगे, तो दो और एक तीन और छः नौ और नौ चार तेरह, तेरह आया कि नहीं आया, और तेरह का मतलब क्या आ गया यहाँ पे, तीन। इकाई का अंक कितना आ गया, तीन। तो ये क्वेश्चन में मजा आया होगा, आई एम डैम श्योर कि आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगला सवाल करते हैं आपकी स्क्रीन पे, और हम करेंगे फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन ही करेंगे। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ था, रेलवे में आया था ये क्वेश्चन, मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि हमें सभी तरह के क्वेश्चन करने। क्वेश्चन है दो की पावर फैक्टोरियल वन मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई में डॉट लग गया, या फिर मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहले एक क्वेश्चन लिख देते हैं, फैक्टोरियल की 11, भाई दो की पावर फैक्टोरियल 11 कर लो आप। क्वेश्चन एक बार फिर लिखता हूँ मैं, कन्फ्यूजन नहीं, दो की पावर फैक्टोरियल 11। सवाल है मेरे सामने कि दो की पावर फैक्टोरियल 11 का क्या आंसर होगा। चलिए, अच्छा ये पावर वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ये पावर वाला क्वेश्चन आ जाएगा। हम एक काम करते हैं पहले, पावर को समझ लेते हैं भैया, हम क्या करते हैं पहले पावर को समझ लेते हैं, पावर को समझ लेते हैं। पावर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर वाला क्वेश्चन अभी कराएंगे, दो की पावर फैक्टोरियल 11 अभी कराएंगे कि भाई रिमाइंडर इसका जो इकाई का अंक होता है वो कितना होता है अभी बता देते हैं आपको। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे, वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू हो गया है। ये सेकंड पार्ट मतलब इकाई का अंक, आपने एक चीज सीख ली, अब इंपॉर्टेंट दूसरी चीज आ रही है और खेल खत्म, ठीक। ध्यान से देखेंगे, देखो मेरा क्वेश्चन है कि भैया तीन की पावर पांच लिखा है तो इसका इकाई का अंक कितना होता है, ये और छोटा आ जाओ आप, लिखा है तीन की पावर चार तो कितना होता है, अभी मैं निकाल नहीं पा रहा हूं तीन की पावर चार, लिखा है तीन की पावर दो तो कितना होता है, खट्टे से आंसर आएगा नो। अगला सवाल है तीन की पावर एक कितना हो, खट्टे से आंसर आएगा तीन। यहां लिखते हैं तीन की पावर एक बोला तो तीन आ गया, ठीक है ना, तीन की पावर दो मैंने बोला तो कितना आ गया, नाइन आ गया भाई, नाइन आ गया, थोड़ा पेन में प्रॉब्लम, पर देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। तो कितना आ गया यहाँ पे, नाइन आ गया, एक मिनट थोड़ी सी प्रॉब्लम, गिव अस सम टाइम, कई बार हैंग हो जाता है। देखिए थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम, जस्ट वेट, चलिए शुरू करते हैं फिर से, सॉरी फॉर द डिले, थोड़ा सा टाइम लगा आप पे। यहां पे देखिए ध्यान से क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ पावर वाला खेल करते हैं, पावर में क्या होगा, मजे की बात देखेंगे, छोटे से शुरुआत करते हैं। भैया दो की पावर एक कितना होता है, दो होता है, समझ में आया, दो की पावर दो कितना होता है, दो की पावर दो होगा चार होगा, दो की पावर तीन कितना होगा आठ होगा, दो की पावर चार कितना होगा सोलह होगा, सोलह का मतलब मैं छह लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे भाई, सोलह का मतलब छह लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इकाई का अंक पूछ रहा हूँ, ये मेरे क्वेश्चन है, ये मेरा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि भाई दो की पावर एक कितना है, दो की पावर दो कितना है, इकाई का अंक पूछ रहा हूँ मैं। अब जब मैं बोलूंगा दो की पावर पांच कितना होगा तो मैं फिर से दो बोलूंगा, क्यों, क्योंकि दो की पावर पांच होता है 32, 32 होता है ना, ध्यान दीजिए। अब मैं पूछ रहा हूँ दो की पावर छः तो मैं कहूंगा भैया चार, क्योंकि दो की पावर छः 64 होता है, 32 का दुगना, ठीक है।
और जब मैं 2 की पावर आपसे 7 बोलता हूं तो खट से आप बोलते हैं 8, क्योंकि 2 की पावर 7 128, और जब मैं 2 की पावर 8 बोलता हूं तो फिर आप कहते हैं 6, क्योंकि फिर 2 की पावर 8 216, 128 का दुगना, ठीक है, 256 सॉरी, ठीक है। तो अब आपने एक चीज देखी कि भैया 1 2 3 4, ये 4 के बाद फिर से ये आ रहे हैं भाई, 2 आया 4 आया 8 आया 6 आया, फिर 2 आया 4 आया 8 आया 6 आया, फिर 2 आएगा 4 आएगा 8 आएगा 6 आएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भैया? 1 2 3 4, जब 4 के बाद फिर से अगला नंबर आ रहा है, फिर से वो रिपीट कर रहा है, इसका मतलब इसकी साइकिल बन जाती है। साइकिल क्या बन जाती है कि जैसे ही 2 की पावर 8 आया, 2 की पावर 8 किसके बराबर है, 2 की पावर 4 के, इकाई का अंक बोल रहा हूं मैं भाई, 2 की पावर 4 का जो इकाई का अंक है वो 2 की पावर 8 के इकाई के अंक बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल। तो 2 की पावर 12 का जो इकाई का अंक होगा वो भी इसके बराबर होगा। इस बात पे गौर फरमाएंगे आप सब लोग कि इसी तरीके से होता है। ये जो प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाया इसे बोलते हैं साइकिल। मैंने सीधा फॉर्मूला या ट्रिक नहीं बताई, मैंने करके दिखाया। जब चीज हम करके देखते हैं तो हमें समझ में आता है, प्रैक्टिकल समझ में आता है। ऐसे ही आप लोग घर पे 3 की पावर से करके देखेंगे, भैया 3 की पावर का यूनिट डिजिट इतना, 3 की पावर 2 का इतना, फिर 3 का 4 का इतना, तो निकल के क्या निष्कर्ष आएगा मैं आपको बताता हूं। पूरा अंक होंगे हमारे पास, अंक होंगे हमारा तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे लिखा है क्वेश्चन आपके पास कि 32 की पावर और मैंने लिख दिया 13 का, अब मैं सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूं आपके सामने, इकाई का अंक बताइए। सवाल आपके सामने है 32 की पावर 13 का इकाई का अंक बताइए। तो स्टेप नंबर 1 तो होगा कि सबसे पहले आप इसका इकाई का अंक उठाओ। जैसे आप अभी मल्टीप्लाई में क्या कर रहे थे बताइए, जैसे अभी मल्टीप्लाई में क्या कर रहे थे, आप इकाई के अंक उठा रहे थे ना इनके भाई, इकाई के अंक उठा रहे थे, और फिर बीच में क्या कर रहे थे, बीच में आप ऑपरेशन लगा रहे थे। कौन सा ऑपरेशन? अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाओगे, और अगर पावर है तो पावर लगाओगे कि नहीं लगाओगे, जल्दी बताइए भाई। पहला स्टेप है यूनिट डिजिट को उठाओ, इकाई के अंक उठाओ और पावर लगा दो। पावर क्यों? क्योंकि जो उसमें ऑपरेशन हो रहा है मैं तो वही लगाऊंगा। तो 2 की पावर 13 हो गया। अब मैं 2 की पावर 13 को सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता 2 की पावर 13 कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं इस 13 को थोड़ा छोटा करूंगा। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो वैल्यू 2 की पावर 4 की होती है वो 2 की पावर 8 की होगी, वो 2 की पावर 12 की होगी, वो 2 की पावर 16 की होगी। ऐसे ही एक नियम आया कि 2 की पावर 5 की जो वैल्यू है 2 की पावर 9 की होगी, 2 की पावर 13 की भी वही होगी भाई। यही तो निकल के आ रहा है ना, 4 4 की मतलब साइकिल बन रही है, 5 के बाद 4 9, फिर 9 के बाद 4 13, है ना। तो 4 की साइकिल को ऐसे में कब तक करूंगा बैठ के? एक तरीका मैंने निकाला कि मैं 4 से डिवाइड कर दिया करूंगा, किसे? जो इसके ऊपर ये पावर लगी है। तो पावर को हमेशा, अगला ट्रिक है ये, पावर को हमेशा 4 से क्या करना है, भाग देना है, और उसके बाद हमें चेक करना है कि 4 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, शेषफल चेक करना है हमें। हमें क्या चेक करना है? शेषफल। जैसे मैं 13 को जब मैं 4 से चेक करता हूं तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आएगा? 1, क्योंकि 4 से 12 तो कट गया पूरा पूरा, 1 बचा तो मैंने 1 लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि भैया 2 की पावर 13 कितना होगा। तो मेरा 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप तो होगा कि पावर को 4 से भाग देना है। अभी लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए शॉर्ट ट्रिक लिख रहा हूं कि पावर को 4 से भाग देना है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद जब आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल अगर आपका 1 बचता है, 1 ही तो बच गया, 1 बचता है, तो आपको पावर कितनी लगानी है? 1 लगानी है। अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो पावर 2 लगानी है, अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो 3 लगानी है, और रिमाइंडर अगर कुछ भी नहीं बचता है तो आपको पावर 4 लगानी है। किसकी पावर 4 लगानी है? जो भी नंबर है। अब जैसे इस केस में रिमाइंडर कितना बचा है? 1 बचा है, तो मैं 2 की पावर कितनी लगाऊंगा? 1, और आंसर कितना आ जाएगा? 2। मतलब ये है जो 13 लिखा है ना, 13, मुझे मेरा काम है कि इस बड़ी पावर को छोटा करना, और छोटा करने का तरीका है कि उस पावर को 4 से भाग दे दो। भाग देने के बाद जो शेषफल बचा, अगर वो 1 बचा शेषफल, तो पावर में 1 लगाऊंगा, अगर शेषफल 2 बचा तो मैं पावर 2 लगा दूंगा, शेषफल अगर 3 बचा तो मैं पावर 3 लगा दूंगा, शेषफल अगर 0 बचा तो पावर में 4 लगा दूंगा। भाई शेषफल कभी 4 बच सकता है क्या? कभी भी नहीं बच सकता। जब मैं 4 से भाग कर रहा हूं तो शेषफल तो 4 से छोटा ही बचेगा ना, या तो कुछ भी नहीं बचेगा
या वन बचेगा या टू बचेगा या थ्री बचेगा, इतनी सी बात है बस। देखो ध्यान से एक क्वेश्चन और करेंगे, एक बार फिर समझाऊंगा मैं आपको और क्लियर हो जाएगा आपको। सवाल है आपके सामने, छोटा क्वेश्चन लेते हैं भैया। सात की पावर लिया मैंने और मैंने लिख दिया 521। भाई सात की पावर 521 का इकाई का अंक निकालना है, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। मुझे एक चीज समझ में आ रही है, इस 521 को छोटा बनाओ, छोटा बनाओ भैया 521 को। तो 521 यानी जो पावर है, इस पावर को छोटा बनाने की जो ट्रिक है वो है चार से भाग देना है आपको। अब चार से क्यों देना है, मैंने अभी आपको समझाया है कि चार से भैया इसलिए देना है क्योंकि इसकी साइकिल चार की होती है। अभी समझाया मैंने पूरी तरीके से आपको, अब आप याद कर लो कि भैया चार से भाग देना है। अब मैं 521 को चार से भाग देना शुरू करता हूँ, ठीक है। चार से जब मैं भाग दे रहा हूँ तो 4 1 4, एक बचा 12, चार थी अब 12 और यानी कि यहाँ पे एक बचा। बात समझ में आ रही है, कितना बचा यहाँ पे, एक बचा। तो जब मैं शेषफल यानी रिमाइंडर की बात करता हूँ तो वो एक बचता है, रिमाइंडर की बात करता हूँ तो कितना बचता है, एक बचता है, ठीक है। तो जब जो रिमाइंडर बचेगा, मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर अगर एक बचेगा तो पावर कितनी लगाओगे आप, एक, छोटी वाली पावर। बड़ी को जब हम छोटी बना रहे तो पावर कितनी बन जाएगी, एक। दो बचेगा तो दो बनेगी, तीन बचेगा तो तीन बचेगी और जीरो बचेगा तो चार बनेगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो अब आ गया सात की पावर एक और आंसर आ गया सात। इकाई का कितना आ गया, सात। बात समझ में नहीं आई आपको तो एक क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, और क्वेश्चन है 732 की पावर, 732 की पावर मैं लेता हूँ 24। सवाल करना शुरू करते हैं, मेरा क्वेश्चन है कि मुझे इसमें इकाई का अंक बताना है। ये चीज़ समझ लो आप जल्दी से, और फिर क्या करेंगे हम, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जबरदस्त तरीके से, एकदम मजा आने वाला है। फिर इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एकदम मजा आने वाला है। तो भैया 732 की पावर 24, मेरा काम इतना है कि इस दो को मैं उठाऊंगा और इस 24 को इसकी पावर के ऊपर लगा दूंगा। इतनी बात समझ में आ गई भाई, यही तो करूंगा, इकाई का निकालना, तो इकाई के अंक को पकड़ेंगे और फिर पावर लगा देंगे पूरी। अब ये 24 पावर तो बहुत बड़ी है, मेरा दिमाग कहता है कि इस 24 पावर को मुझे छोटा करना है। छोटा करने का एक तरीका है मेरे पास कि 24 को आप 4 से भाग दे दो, रिमाइंडर जितना आएगा उसके हिसाब से नियम लगा दो। रिमाइंडर कितना आ रहा है यानी शेषफल कितना आ रहा है, जीरो। और जब शेषफल जीरो आता है तो कितनी पावर लगती है, 4 पावर लगती है, 2 की पावर 4। ये कहां से बोल रहा हूं मैं इतनी पावर लगती है, भैया रिमाइंडर जब जीरो आता है तो पावर लगती है 4, याद कर लो ना। और जब रिमाइंडर एक आएगा तो पावर लगेगी, एक, दो आएगा तो दो लगेंगी और तीन आएगा तो तीन लगेंगी। काम खत्म होता है आपका इतने से, ये याद कर लो आप साइड में लिख के, कहीं कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा इससे सॉल्व हो जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ इससे अलग कुछ है ही नहीं। अब इसके अंदर कुछ ट्रिक निकल के आएंगे छोटी छोटी, वो मैं आपको बता दूंगा छुटकियों में, और फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, 2 की पावर 4 सॉल्व करना तो यार बड़ा आसान है, 16 होता है ना 2 की पावर 4, तो 6 आंसर आ गया। काम खत्म हो गया यार, काम खत्म हो चुका है, ठीक। देखो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, अब इतना टाइम नहीं है, अब बिल्कुल हम एकदम चुटकियों में क्वेश्चंस करेंगे। सवाल है 2153 की पावर 167। सवाल तो बहुत खतरनाक दिख रहा है। पहला काम कि यूनिट डिजिट को पिक करो, हमने यूनिट डिजिट को पिक कर लिया, इसकी पावर 167 लगा दी। अब मेरे बस की नहीं है कि मैं इस 167 को सॉल्व करूं। तरीका मेरे पास है कि 167 को 4 से भाग दे दो, रिमाइंडर इसका चेक कर लो यानी कि शेषफल चेक कर लो। तो यहां से शेषफल 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरा चेक करके बताओ मुझे सब लोग। 4 चौक 16 और 4 1 4, तो यहां पे कितना आ गया भैया, 3 बच गया। जब रिमाइंडर 3 बचेगा तो पावर भी 3 लग जाएगी, तो 3 की पावर 3 लगा दो, 27 होता है, यानी कि 7 आंसर आ चुका है इसका। समझ में आ गई बात, जल्दी से अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस बात पे फोकस करेंगे। अच्छा ये मैं इस क्वेश्चन को टाइप करते हुए ये मैंने रिपीटेड चीज़ें लिख दी हैं, मैं इसको एक्चुअल क्वेश्चन को आपके सामने लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या था, ये किसी एग्जाम में आया हुआ था, मैंने वहाँ से पिक किया और फिर आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन लेके आए। मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखते हैं एक बार नीचे कि 2464 की पावर 1793 इंटू 3615 की पावर 317 इंटू 7131 की पावर 491
इस सवाल को करने से पहले हम कुछ ट्रिक सीखेंगे यहाँ पे, कुछ छोटी छोटे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे। आ जाओ यहाँ पे, यहाँ सीख लेते हैं, यहाँ थोड़ी स्पेस ले लेंगे यहाँ पे इसका, और यहाँ पे हम जगह बना के क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करते हैं क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक बात ध्यान से देखेंगे, मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा कि 5 की पावर में 1 कर रहा हूँ, 2 कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ, या ऐसे मत सोचिए। 5 की पावर 1 कितना होता है? 5। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25, यानी कि फिर से 5। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125, यानी कि फिर से 5। 5 की पावर 4 कितना होता है? 625, यानी कि फिर से 5। ठीक ऐसे ही मुझे बताओ, 0 की पावर 1 0, 0 की पावर 2 फिर से 0, 0 की पावर 3, 0 की पावर 4 0, सब 0। 1 की पावर 1 करो या 1 की पावर 2 करो, 1 की पावर 3, 1 की पावर 40 कर दो, 1 की पावर 51 कर दो, कितना भी कर दो, कितना आएगा? आप तुरंत मन में बोल रहे हो सर 1 आएगा। मुझे एक बात बताइए, ये ट्रिक मैंने आपको ये ऐसी बताई कि 5 की पावर हो या 0 की पावर हो या 1 की पावर हो, इनकी पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक वही आएगा जो नंबर है। समझ में आ गई बात? यानी 5 की पावर कितनी भी अगर है तो उसका इकाई का अंक आएगा 5, 0 की पावर कितनी भी है तो इकाई का अंक कितना आएगा? 0। 1 की पावर कितनी भी है तो इकाई का अंक कितना आएगा? 1। बहुत बढ़िया से आपको आई होप कि ये बात समझ में आ गई, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सीखना। इतनी बात समझ में आ गई है तो सीधा क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। और मुझे बताइए, पहली चीज़ तो बनेगी इस इकाई के अंक उठाओ, 4 की पावर 1793 इंटू 5 की पावर 317 इंटू यहाँ से 1 की पावर 491। भाई 5 की पावर कितनी भी है, 5 की पावर कितनी भी तो 5 ही तो आएगा, 1 की पावर कितनी भी है तो 1 ही तो आएगा। ठीक है, अब यहाँ फंसता है कि भाई 4 की पावर 1793 है, मैं कैसे सॉल्व करूँ? दो तरीके दे रहा हूँ, पहले इसको नॉर्मल मेथड से करो जैसा मैं बता रहा हूँ, फिर इसमें भी छुटकी बजा के सॉल्व करेंगे। भाई जैसे ये आया ना छुटकी बजा के, 1 आ गया 5 आ गया, इसे भी ऐसे करेंगे। कैसे? पहले 1793 को छोटा करने की कोशिश करो, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। 1793 को जब हम 4 से भाग करते हैं तो कितना आता है? 4 मतलब कितना कटता है? 4 चौक 16, 19 आया, फिर 4 चौक 16, फिर 3 आया 33, 4 8 32, यानी कि शेषफल कितना आया? 1। शेषफल कितना आया? 1। ठीक है, जब शेषफल 1 आएगा तो पावर लगाओगे 1, यानी कि 4 की पावर बन गई यहाँ पे 1। उसके बाद आपका 4 × 5 × 1 यानी कि 20, यानी कि 0 आपका आंसर आ गया, 0 आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? यहाँ से मैं 4 की पावर वाला ट्रिक आपको क्या समझाने वाला हूँ। ये मैंने 5 की ट्रिक सीख ली, 0 की ट्रिक सीख ली, 1 की ट्रिक सीख ली, ठीक है। अब मैं 4 की एक ट्रिक सीखता हूँ। 4 की क्या ट्रिक है? ट्रिक कुछ भी नहीं होती, बेसिक समझना है। 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, तो मैंने 6 ले लिया। 4 की पावर 3 फिर 4 होता है, 64 होता है ना, और 4 की पावर 4 फिर 16, यानी 216 होता है, यानी कि 6 होता है लास्ट में। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि 4 आ रहा है 6 आ रहा है, 4 आ रहा है 6 आ रहा है। कब आ रहा है? जब पावर इसकी विषम है तब 4 आ रहा है, अगर सम है तो 6 आ रहा है। भाई 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा, 4 की पावर अगर सम है, सम और विषम तो पता ही है, तो यहाँ पे 6 आएगा। इस पॉइंट को भी आप कॉपी पे नोट कर लें, और इस आई होप कि नोट कर लिया होगा, फिर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ लगा दो। मुझे बताओ, यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, 4 की पावर कितनी है? आप कहेंगे सर ये विषम है, 4 की पावर कितनी है? विषम। जब 4 की पावर विषम है तो ये करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4, यानी कि क्वेश्चन आपका चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई हैं वो किस किस के लिए बताई हैं, मैं यहाँ पे बता दूँ आपको। एक तो मैंने 0 के लिए बताई, 1 के लिए, 5 के लिए। इन तीनों की पावर कितनी भी कर दो, 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है, काम खत्म हो गया। अब 4 की मैंने ऐसी ट्रिक बताई है कि 4 की पावर अगर विषम है तो पावर इकाई का अंक 4 बन जाएगा, और सम है तो इकाई का अंक 6 बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? और इतना अगर समझ में आ गया होगा तो मैं 9 की भी ट्रिक आपको बता सकता हूँ। 9 की पावर अगर विषम होती है तो 9 हो जाता है, और सम होती है तो 1 हो जाता है। ये बात समझ लो, इतना नोट कर लो। अच्छा, ये नीचे का आप नहीं भी याद करना चाह रहे तो भी चलेगा, इतना तो याद कर ही सकते हो ना। ये वाला 0 की पावर कितनी भी है तो 0 आता है, सबको पता है।
एक की पावर कितनी भी है तो एक आएगा, सबको पता है। पांच की पावर कितनी भी है तो पांच आएगा, सबको पता है ना। और बाकी सब में चार और नौ में नॉर्मल नियम लगा लो आपको, जैसे मैं यहाँ पे नियम सिखा रहा था आपको ये कि भैया हम इसे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर लो आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपके सामने सवाल है भाई चार की पावर सम है कि नहीं है, तो छः आएगा, प्लस यहाँ चार की पावर विषम है तो चार आएगा, दोनों को ऐड कर लो, दस आ गया, जीरो, आंसर खत्म। इकाई अंक कितना है? जीरो। यस और नो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, सब लोग शेयर कर देंगे, एकदम क्लियर है सारी बातें, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, जल्दी से बता देंगे भाई चार की पावर यहाँ पे सम और विषम वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपके सामने आ गया है, यहाँ से दो उठाओ, पावर 23 लगी हुई है, 23 को थोड़ा छोटा करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, तो 2 की पावर यहाँ साइड में कर लेते हैं, 23 की पावर जब 4 करते हैं तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा 3, 20 में कट जाएगा, तो 2 की पावर 3 लगाओ, 8 आके आंसर आ गया आपका। जल्दी से बताइए क्या आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर सेशन एंड करेंगे। यहां से मैं एक को पिक करूंगा, एक की पावर कितनी भी हो तो एक ही आएगा, तीन की पावर कितनी है भाई? 3 की पावर 65 है, तो 65 को पहले 4 से भाग कर लो, कितना आ गया? 4 1 4 25, 4 6 24, रिमाइंडर 1 आया, शेषफल 1 आया, तो यहाँ बनेगा 1 × 1, तो ये वाला, इंटू 3 की पावर 1, इंटू 6 की पावर कितनी है? 63, 6 की पावर 63। अच्छा एक नियम और है चुटकी बजा के, कैसे 6 की पावर कितनी होती है वो भी 6 आता है भाई, 6 की पावर कितनी भी कर लो वो भी 6 आएगा, एक नियम और निकल के आया है, वो देख के पता लग जाता है चीज़ों को देख के पता लग जाता है कि, क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी, तो 6 की पावर 1 = 6 होता है, 6 की पावर 2 = 36 यानी कि 6 होता है, 6 की पावर 3 = 216 यानी कि 6 होता है, 6 की पावर 4 में भी 6 होता है, मतलब सब में 6 होगा। तो ये जो नियम मैंने आपको बताया यहाँ पे ना, कहाँ कि भैया 0 का 1 का 5 का, तो इसमें 6 और ऐड कर लो, देखिए 6 और ऐड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया आपका 6 की पावर अगर 63 है तो भी 6 आएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से करते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया भाई, 1 की पावर कितनी भी है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा मल्टीप्लाई, 6 की पावर कितनी भी है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब इसको और पकड़ लो, 3 की पावर 65 है तो 65 को मैंने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आया यानी 3 की पावर 1, 6 3 18 यानी कि 8 आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी, बड़े बढ़िया से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और देखते हैं क्या क्वेश्चन है, सवाल आपके सामने आ गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस क्वेश्चन को मैं हैश मार्क कर देता हूँ, हैश मार्क कर देता हूँ, इसमें कोई पावर नहीं है, इसमें पावर है, इसका ये इकाई अंक निकालो, फिर प्लस लगा दो, फिर इसका निकालो, आंसर आ जाएगा। आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, मतलब शेयर करना तो बनता है, कमेंट तो करना ही करना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है आपको जल्दी से सॉल्व करके, लेकिन आपको शेयर जरूर करना है, शेयर करना एकदम मस्ट है, और वीडियो को लाइक करना है। आगे देखते हैं, ये सवाल मैंने करा दिया था, सो यहाँ तक वीडियो के लिए इतना ही, आगे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक आ रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ जीरोज मैंने अभी बताया वो निकालना, LCM SCF आएगा, शेषफल प्रीमियम आएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, बने रहिए सिलेक्शन मेंटर के साथ, काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ पढ़ना और पढ़ाना। सो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल है मेरा, मैं FCI में जॉब करता हूँ तो सुबह से शाम तक, आजकल इन दिस लॉकडाउन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है FCI की वो 4 गुना बढ़ गई है, ठीक है, मतलब बहुत 4 गुना काम बढ़ गया है, तो इट्स बिकमिंग हेक्टिक, बट ये अच्छा लगता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो घर में सेफ हैं और पूरा देश उसमें हेल्प कर रहा है एक दूसरे की, डॉक्टर्स कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, ठीक है, तो उस तरीके से हम भी एक सपोर्ट कर रहे हैं छोटा सा, तो छोटे छोटे सपोर्ट से ही बड़ा सपोर्ट बनता है, राइट। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, शेयर कीजिए, सिलेक्शन मेंटर को सब्सक्राइब भी कीजिए, बाय।